नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम वसीम खादिम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास कंप्यूटर का यूनिट नंबर 1 दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक्चुअली हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं अनइंटेंशनली, हमें पता नहीं होता हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। हम अपने काम की जगह पर या हम अगर खेल रहे हैं या किसी और एक्टिविटीज में हैं तो हम अनइंटेंशनली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत चैलेंजिंग होती हैं जिनके लिए आपको बहुत सी आपको मेहनत लगती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत सी थॉट्स रिक्वायर्ड हैं आपको। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अल्टीमेटली खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। हम इसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तरीका जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी महारत है जो आप हासिल कर सकते हैं एक बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को फॉलो करके। प्रोग्रामिंग भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। हमने अपनी 10th क्लास में प्रोग्रामिंग को बड़ी डिटेल से पढ़ना है इसलिए आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए। हम इसी चैप्टर में प्रोग्रामिंग को की बेसिक्स जो है वो पढ़ लेंगे। वेल प्रोग्रामिंग भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलती हैं, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सर अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, इफ यू फील लाइक कि आपके पास जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, गॉड गिवन, तो अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो इसका मतलब है यू हैव अ पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। ये हाईली लिंक्ड, दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर हाईली लिंक्ड, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा लिंक कर रही हैं, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपस में बहुत ज्यादा लिंक कर रही हैं। अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो यू हैव पोटेंशियल टू बिकम गुड प्रोग्रामर। अब मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, अब वो अपनी रिलेटेड अप्रोच यूज करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग और साइंटिफिक अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए उन प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड आउट होगा। बट वी हैव टू डिस्कस स्पेसिफिकली द कंप्यूटर साइंसेज, द प्रॉब्लम्स दैट अकर इन द कंप्यूटर साइंसेज, तो उनको हमने किस तरह यूज करना है, उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, प्रोग्रामर्स वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। जो प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ये वो मेथड है कि अगर आप इसके स्टेप्स को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये वो तरीका है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली देर आर सम स्टेप्स, देर आर 9 स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपके पास कोई टर्मिनोलॉजी आती है यू आर सपोज्ड टू लुक केयरफुली व्हाट इज रिटन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उस टर्मिनोलॉजी को गौर से पढ़ें। आपकी 70-80% जो डेफिनेशन होती है वो टर्मिनोलॉजी के अंदर होती है, बट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये टर्मिनोलॉजी ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही है। प्रॉब्लम कोई मसला जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन वर्ड इज आइडेंटिफाई से पहचानना, प्रॉब्लम को पहचानना, अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या।
ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको चाहिए कि उस वक्त आप उस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से समझो, अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को. वंस यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपरली, और अपना इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको फिल्टर आउट कर दो. जो की थिंग है वो है कि क्या फाइंड करना है आपने, वो आपने उस पर फोकस करना है. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वी आर सपोज टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर. हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है. अब सिंपल कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इफ वी आर सपोज टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हाउ वी विल बी गोइंग टू फाइंड द अर्थमेटिक्स. अब अर्थमेटिक्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, दीज आर बेसिक अर्थमेटिक्स जो कि सिंपल कैलकुलेटर बनाते वक्त हमें जिन पे फोकस करना चाहिए. इसके अलावा हमने इनपुट्स किस तरह देनी है उस कैलकुलेटर में, हमने इनपुट्स कैसे देनी है, वैल्यूज कैसे इनपुट करनी है, और हमें आउटपुट किस तरह डिस्प्ले होगी. तो ये हमारे कंसर्न्स हैं, हमने इन चीजों पे फोकस करना है. हमें पूछा भी यही किया है कि सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं वो आप बताएं. तो सिंपल कैलकुलेटर बनाने का तरीका आई टोल्ड यू, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमने बेसिक अर्थमेटिक्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन. तो ये किस तरह कैलकुलेट करने, हमारा कंसर्न ये नहीं है कि हमने साइन को साइन टेंजेंट किस तरह फाइंड करना है, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह फाइंड आउट करने हैं, ये सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है. तो हम अगर इसको साइड पर ही रहने देंगे ना, हम फोकस करेंगे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, जो क्या थी कि सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, वो जो सारी चीजें हैं साइन कोसाइन टेंजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ चला जाता है, वो भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत बन जाएगा. इसलिए हमें इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को खत्म करना है और फोकस करना है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो की थिंग है उसको, दैट इज सिंपल कैलकुलेटर. फ्रेंड्स दैट वाज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, दैट इज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स. स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, बड़ी मजे की चीज है, गौर से जरा समझें. स्पेसिफाई अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करें. इसमें पता है क्या होता है, बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं, बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो क्या बनवाना चाह रहे हैं. उनका एक प्रॉब्लम है, लेट सपोज उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उनको एक्चुअली पता नहीं होता सारी रिक्वायरमेंट्स कि वो क्या क्या चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या क्या बनवाना चाह रहे हैं. दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद देयर सॉफ्टवेयर. तो व्हाट हैपेंड देन, दे अपीयर विद अ वेग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन देयर माइंड व्हिच मे लेड टू द रॉन्ग सॉल्यूशन. वो अपने माइंड में गलत किस्म की रिक्वायरमेंट्स लेके आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर को बता देते हैं, तो जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, रॉन्ग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गलत हो जाता है. तो इसलिए इस स्टेज में जरूरी है एक डॉक्यूमेंट बनाना जिसको नाम दिया गया है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारा टॉपिक का नाम भी क्या है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, कि हमने रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है. तो यू शुड स्पेसिफाई योर रिक्वायरमेंट्स बाय मेकिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज. आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आराम से बैठ के लिखेंगे जो जो आप चाह रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करे, वो सब फीचर्स आप उसमें मेंशन करेंगे इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, सारे फीचर्स जो आप चाह रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर आपको बना के दे, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस लिखेंगे आप अंडर विच द सॉफ्टवेयर विल ऑपरेट. तो इस तरह क्या होगा, जब आप ये सारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लेंगे, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जाके देंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि जी ये चीज हमें बना दो, ये मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, मुझे सॉफ्टवेयर बना दो,
ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है इसको पढ़ के। अब वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा, रादर देन कि आप उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करें, आपने उसको रिटन डॉक्यूमेंट दे दिया इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, वो उसको फॉलो करेगा, वो स्टेप वाइज उसको पढ़ेगा, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा, सॉल्यूशन भी गलत नहीं होगा, एंड दैट इज स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट।